हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूं। देर आज मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, और यार इस वीडियो में 31 के सब्सक्राइबर जो है वो हमारे कंप्लीट करवा देना। तो सबसे पहले एक फरिया नाम की बंदी का ट्विटर अकाउंट जो है वो पाकिस्तान में काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, उसके रिलेटेड बात कर लेते हैं। फरिया नाम की कोई लड़की है या लड़का है जिसने अपने यूजर नेम के साथ पाकिस्तान का फ्लैग लगाया हुआ है, और उसने रिसेंटली कुछ ऐसे ट्वीट वगैरह करना स्टार्ट कर दिए हैं। मैं जो हूँ वो 22 साल की और मेरा भाई जो है वो 23 साल का है। हम एक ट्रिप के लिए मरी गए थे 2021 में, जहाँ मेरा भाई जो है वो मुझे पसंद आ गया, और अब मैं जो है वो उससे शादी कर रही हूँ। यार नऊजुबिल्ला, उन्होंने कहा कि इस्लामिक वेडिंग है, और भी ऐसी कई मजीद बातें लिखी। एट दी एंड वो सारे केस के थ्रू जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करना चाह रही है, क्योंकि इनके इन ट्वीट्स पे काफी ज्यादा पाकिस्तानियों को इंडियन की तरफ से हेट दिया जा रहा है। और जितना मुझे कंफर्मेशन है तो कोई इंडियन यूजर है, जो कि तकरीबन आज से कुछ मंथ पहले जो है वो सिर्फ इंडिया के रिलेटेड कॉन्टेंट वगैरह अपलोड किया करता था, जैसे कि कुछ उसके इंडिया के ट्वीट्स आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर आप लोग ये प्रोफाइल देखें तो यार आप लोग इसको रिपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की वो हरकत कर रही है वो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है, और वो पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट करना चाह रही है, जो कि खैर नहीं होना चाहिए। अगर आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो कशफ अंसारी के रिलेटेड है। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को अपनी एक वीडियो में बताया था कि ज़ारेब की जो शादी हुई थी उसमें बहुत से क्रिएटर्स थे, लेकिन कशफ अंसारी को इनवाइट नहीं किया गया था। इसके रिलेटेड कशफ अंसारी ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करके बताया था। और रिसेंटली ज़ारेब की कशफ अंसारी के साथ मुलाकात होती है, और इनके दरमियान जो भी सारे सीन्स वगैरह थे वो क्लियर हो जाते हैं, और उसमें वो बताती है कि जन्नाब जो है वो इनसे नाराज थी, इस वजह से उन्होंने उनको इनवाइट नहीं किया था। कशफ अंसारी क्या वीडियो शेयर करती है, उनकी वीडियो का छोटा सा पार्ट मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। बात इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन थी भी एक तरह से, क्योंकि वो मुझे कुछ समझती जब भी वो मुझसे नाराज थी, और जिसकी वजह से उसने मुझे अपने इवेंट पे नहीं बुलाया, तो मुझे हर्ट हुआ कि यार वो मुझसे नाराज थी, और मुझे पता नहीं था कि वो मुझसे इस बात पर नाराज है। रोने भी लगी थी जब मैं उससे मिली, तो मुझे दुख हुआ, मैंने उसको सॉरी करा, मैंने उससे माफ़ी मांगी, मैंने उसे प्यार करा, और मैंने उसे कहा यार अगर तुम मेरी इस बात पर नाराज थी तो मेरा ये मतलब नहीं था। तो मैंने उसको समझाया, और खैर हमारे बीच में जो बात थी वो सॉर्ट आउट हो गई, और सारा मैटर जो भी था वो सॉर्ट आउट हो गया। मेरी पूरी वीडियो देखनी हो तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो थोड़ा बहुत क्रिकेट के रिलेटेड बात कर लेते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर जो कि ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए निकल चुके हैं, उनकी कुछ वीडियोस काफी ज्यादा वायरल चल रही है, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ है, और जो जो क्रिकेटर शादीशुदा है तकरीबन वो अपनी वाइफ को साथ लेकर ही जा रहा है। इसके रिलेटेड अब बहुत से ऐसे ट्वीट्स वगैरह वायरल चलना स्टार्ट हो गए हैं। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं है बल्कि हनीमून टूर है। ये चीज जो है वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना भी स्टार्ट हो गई। इसके ऊपर भी आप लोगों का जो ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यार इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो रिसेंटली इमामुल्लाह की शाबिर जाफरी के साथ एक पॉडकास्ट आई है, जिसमें इमामुल्लाह जो है वो बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, जैसे कि शादाब विराट की जो मीम्स वगैरह फैल गई थी वो भी, और इसके अलावा इनको जो हेट दिया जाता है वो सब भी। यार इसके अलावा रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरमियान लड़ाई की काफी ज्यादा न्यूज वगैरह वायरल आ रही थी, शाहीन और बाबर की लड़ाई हो गई, और इमाम की लड़ाई हो गई, रिजवान की लड़ाई हो गई, वगैरह वगैरह। तो सबके रिलेटेड इमामुल्लाह जो है वो भी पॉडकास्ट में बात करते हैं। उनकी पॉडकास्ट का वो पार्ट छोटा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट की ना एक हिस्ट्री है, जब हम हारते हैं ना तो कुछ ना कुछ ड्रामा होता है, और उस ड्रामा में ना चाहते हुए भी ना कुछ चीज़ें ऐसी लेके आते हैं, र्यूमर्स कुछ के जिससे ना टीम का माहौल ख़राब हो। इसीलिए हम जब भी कोई हमारी बात होती है ना टीम में, तो हम उसमें एक ज़रूर बात ये कहते हैं कि वी आर अ फैमिली। हम सब ज़्यादा आपस में समटाइम्स हर वक्त खुश नहीं रहते, हमारी भी आर्ग्यूमेंट होती है, आपकी भी अपने अब्बू से अपनी वाइफ से कभी कभार कुछ ना कुछ ऑब्वियसली डिसएग्रीमेंट होता होगा। ऑब्वियसली आपका हर बंदे की सोचने का लिहाज और तरीका अलग है, हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है। हमारी इतनी हमारे लड़कों में एबिलिटी है इस बात की समझने की कि हमें ये ज़रूर पता था कि अगर हम हारे हैं तो कोई अच्छी चीज़ नहीं आएगी। अब मेरी इस प्लेटफॉर्म पर रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि देखिए मीडिया का जो काम है वो करेगा, वो आप स्टॉप नहीं कर सकते, वो उनको पैसे, उनका काम इस तरह चलता है साला। बट मेरी आवाम, हमारी पब्लिक से जो ना इनोसेंट, जो कुछ मीडिया में आता है या लिखा जाता है उस पर बिलीव ब्लाइंड आइज से आप लोग कर लेते हो ना, वो बहुत गलत बात है। जब किसी का कोई प्रूफ नहीं, अब क्या होता है कि एक बंदे ने अगर कह दिया ना, वो आगे इसको शेयर, उसको शेयर, वो फिर एकदम ट्रेंड बन के ना वो पता लगा कि 6-7 स्लाइड्स बन गए कि जी ये फिर ऐसा लगता है सच है यार, ये तो सच है। अब ऐसा हुआ कुछ नहीं होता है। अब हम हंस रहे होते हैं समटाइम्स के यार, अब जैसे एक आई थी कि शदाब की भी लड़ाई हुई है, तो अब हमारा एक ग्रुप बना हुआ है ना, तो अब हम उसमें बात कर रहे हैं कि यार मैं बच गया ये मेरे हाथों से, वरना मैंने इसे मार देना था। ठीक है, बट इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया इज़ वेरी स्ट्रांग। ठीक है, बट ये डिपेंड करता है कि हमारी आवाम को, कि हर बात पे, हर बात को यकीन करने वाली नहीं होती, और हर बात को र्यूमर्स को र्यूमर्स ही रहना चाहिए, और वो चलता है। तो आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये पूरी पॉडकास्ट देखनी है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो जुनैद अकरम के रिलेटेड है, और ऑनलाइन हेट के रिलेटेड तो आप लोगों को पता ही होगा, जो कि अक्सर लोग जो है वो क्रिएटर्स वगैरह को देते रहते हैं। ऐसे ही एक ऑनलाइन हेट के रिलेटेड रिसेंटली जुनैद अकरम ने वीडियो शेयर की, और यार उनका जो हेटर है जुनैद अकरम को डीएम में गालियां वगैरह दिया करता था, और यार रिसेंटली उसने जुनैद अकरम को गालियां वगैरह दी। इसके बाद जुनैद अकरम ने उनकी प्रोफाइल जो है वो पब्लिक कर दी, और उन्होंने उस शख्स जिस कंपनी में काम करता है उसको मेल भी कर दिया,
और उन्होंने इसके रिलेटेड मजीद कहा कि वो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लेंगे और हो सका तो रियाज जा रहे हैं वो तब भी एक्शन ले लें। यानी कि वो शख्स जो कि जुनेद अकरम को ऑनलाइन हेट दिया करता था वो अब उसके लिए काफी भारी पड़ने वाला है। जुनेद अकरम क्या बात करते हैं सबके रिलेटेड में आप लोगों को उनकी वीडियोस भी दिखा देता हूं। अच्छा यार, आई यूजुअली डोंट डू दिस बट कभी कभी लोग मजबूर करते हैं। अब ये इनबॉक्स है मेरा, ये एक भाई है बिलाल हमीद नाम है इनका, इनकी आप जरा ये गालियां सुने। 11 जुलाई 2021 से गालियां दे रहे हैं, अननेसेसरीली गालियां दे रहे हैं। ना मैंने कभी कुछ कहा ना कुछ लिया, ठीक है। अब इनके प्रोफाइल पे चलते हैं। आपका भाई है जियो गैसर का चैंपियन, ये देखते ही बता दिया रियाद में, ठीक है जी। अब यहाँ पे इन्होंने बैच पहना हुआ, ये कंपनी का नाम भी आ गया, ओके। और थोड़ा अगर और फाइन करें इसको तो ये इनका पूरा नाम भी आ गया, बिलाल हमीद अवान, ठीक है जी। ये साहब हैं ये, और गेमर वेमर भी हैं, रियाद में नौकरी करते हैं। चलें कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। अच्छा एक बात क्लियर कर लेते हैं, आप में से किसी ने भी इनके इनबॉक्स में जाके कोई बदतमीजी नहीं करनी, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप ऐसी हरकत करें, ठीक है। खुद से देख लेते हैं। अच्छा नाम से इनको ढूंढा, ये इनका फेसबुक आ गया। अच्छा जी, सुपरिटेंडेंट, प्रोजेक्ट सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंपनी को मैंने इनबॉक्स भी कर दिया कि भाई आपका लौंडा है, ठीक है, अभी आ जाएगा जवाब थोड़ी देर में। और कराची के हैं ये, और सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में भी काम करते हैं। अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान का साइबर क्राइम हो ना, वहाँ पे आप रिपोर्ट कराने जाओ तो कहते सर नेट नहीं चल रहा, कल आइएगा। मगर ये जो सऊदी हो गया, जीसीसी कंट्रीज हो गए ना, ये अगर आप किसी को फिंगर भी फ्लिप करें ना इनबॉक्स में तो सीधा जेल होती है, ठीक है। और फिर ऐसे केसेस में तो डिपोर्टेशन होती है सीधा सीधा, और उसके लिए ना आपको थाने जाना है, ना कोर्ट कचहरी जाना है, ना साइबर क्राइम खली वली, आपने सीधा स्क्रीनशॉट भेजने हैं मुतल्लिका डिपार्टमेंट को और सारा एक्शन वहां से लिया जाता है। और आपको पता है इनके सिस्टम्स कितने इंटीग्रेटेड हैं। अच्छा यूएई का तो सिस्टम ऐसा है कि आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो आप ऑनलाइन इनको जमा करा दें स्क्रीनशॉट्स के साथ कि ये बंदा है। बंदे को लिंक्डइन, लिंक्डइन से कंपनी, कंपनी से सीधा सीधा कंपनी को फोन जाता है, एम्प्लॉई को इधर भेजो थाने, फिर थाने से माफी वाले फोन आते हैं। सऊदी का मुझे अंदाजा नहीं कितना डिजिटाइज है, ना भी हो तो वैसे 14 दिसंबर को मेटालिका आ रहा है, वैसे मैं सोच रहा था रियाद जाऊं, तो ये एक और रीजन हो जाएगा रियाद जाने का, कोई मसला नहीं है। स्क्रीनशॉट दिखाने, भाई आपके मुल्क के रेजिडेंट मुझे इस तरह कर रहे हैं, मुझे जो है मैं हर्ट हुआ, फिर वो जैसा हर्ट करना आपको पता है, फिर सीधा इंशाल्लाह लौंडा वापस आएगा जौर, जौर में फिर वही सीडी 70 की जिंदगी, चिंची के धक्के, गालम गलोच, लाइट नहीं होने के लिए, गैस नहीं होगी, गर्म पानी नहीं होगा नहाने के लिए, बैक टू लाइफ, बैक टू रियलिटी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, 2 मिनट का काम है, बताएं क्या करना है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि जो लोग इस तरीके से ऑनलाइन हेट वगैरह देते हैं उनके अगेंस्ट ऐसा करना चाहिए या उनको इग्नोर कर देना चाहिए? आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अभी के लिए मेरे पास आप सबके लिए सिर्फ इतनी न्यूज़ थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।